नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। इसमें बहुत से अभ्यर्थी बैक में फिर से उनकी रीबैक आ गई है और वह लगातार परेशान है और कमेंट्स के माध्यम से यह पूछ रहे हैं कि अब उनके पास क्या कुछ ऑप्शन हैं और अब डीएलएड 2017 बैच के सेकेंड सेमेस्टर रीबैक का एग्जाम पीएनपी के द्वारा कब आयोजित होने वाला है। इन सभी मुद्दों को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं, तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बैक की प्रक्रिया एक नॉर्मल प्रक्रिया है और आप लोग को इसे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको भविष्य में फिर से चांस मिलेंगे और आप उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके आप सभी के प्रश्नों को मैं लेता हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सर, 2017 सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर में जो फेल हो गए हैं उनका एग्जाम फिर से कब होगा। तो दोस्तों, पीएनपी का यह प्रयास रहता है कि अगला जो सेशन होता है उसके उसी सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही पिछले सेशन के बैक पेपर भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डीएलएड 2017 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर का एग्जाम डीएलएड 2018 बैच के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ हुआ था। अब दोस्तों, अगला जो सेकेंड सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन होगा वह डीएलएड 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के साथ होने वाला है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इनकी परीक्षाएं कब आयोजित होंगी। तो इनका जो सेकेंड सेमेस्टर है वह दिनांक 6 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। तो 6 अगस्त 2020 के बाद से कभी भी पीएनपी फिर से सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा का आयोजन करेगा और उसी के साथ आपके 2017 बैच सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर का भी आयोजन होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर, 2017 बैक था फिर बैक आ गया है, क्या करें प्लीज बताएं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपकी बैक में फिर से रीबैक आ जाती है तो आपको फिर से एक बार भविष्य में चांस मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना बैक हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीटीई की गाइडलाइंस है कि आप 3 बार ही चांस आपको मिलेगा बैक पेपर देने के लिए और यह स्पष्ट होता है पीएनपी के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 3 बार से ज़्यादा जिनकी बैक लग चुकी है उनको कभी भी भविष्य में मौका नहीं दिया जाएगा फिर से रीबैक देने के लिए। दोस्तों, अब ये 3 बार कैसे होता है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे मान लिया कि आप किसी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठते हैं और उसमें आपका बैक लग गया, तो वह एक बार काउंट हो जाएगा, यानी कि फ्रेश पेपर में आपकी बैक लगी तो वो एक बार काउंट हो गया। उसके बाद से फिर आपने बैक के लिए परीक्षा में बैठे और फिर से आपकी बैक लगी तो वह 2 बार काउंट हो गया। अब जैसे इनका जो प्रश्न है, इनका 2 बार काउंट हो चुका है और इनको एक बार और भविष्य में मौका दिया जाएगा, अगर फिर से उनकी बैक लग जाती है तो वह 3 बार काउंट हो जाता है। तो दोस्तों, 3 बार आपको चांस मिलते हैं एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें और भी चीज़ें मैंने स्पष्ट की हुई हैं और पूरे प्रूफ के साथ दिखाया कि एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कुछ कहती है। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।